बॉडी रे जमती डिफरेंट ऑर्गन्स अच्छी डिफरेंट अंग प्रत्यंग अच्छी आम जानू जे कैंसर जेकोसी ऑर्गन रे बॉडी रे हो पार संभावना अच्छी किंतु एते वर्षर मो प्रैक्टिस रे मु देखी जे आखि भलिया अंग रे भी कैंसर हुए एटा बहुत कम लोक जानी अधिकांश लोकंर यही जिनस विषय कौन सी अवेयरनेस कि सचेतनता ना जे आखि भितरे कैंसर हुए आदि आखि भितरे कैंसर हुए सेटा को भलिया आम सामना को आसे आउ केमती चिन्हिबा दरकार आउ कौन देखिले आमको ए जिनसर मनरे गोटे डाउट आसवा दरकार कि आखिरे कैंसर अच्छी आउ आमको ए जिनस गोटे टेस्ट कि ए जिनसर परीक्षा करवाटा जरूरी आम आज गोटे आखिर कैंसर विषय किछि जानिबा जोटा को आमे रेटिनोब्लास्टोमा बोली कहू एही कैंसरटा आखि पछर गोटे पर्दा अच्छी आमर जोटा को कि आमे रेटिना कहू आउ एठु एही कैंसरटा बाहर जहाँ पाई एटा को आमे रेटिनोब्लास्टोमा बोली टर्म देई थाउ एही कैंसरटा सबुठु कॉमन सबुठु बेसी छोटो छुआंकर हुए आउ 90% रु अधिका केस 3 वर्षर कम बयस कैंसर रे आक्रांत हूँ रेटिनोब्लास्टोमा गोटे टाइप रो कैंसर जोटा कि दि प्रकार अच्छी गोटे जोटा को आमे हेरिटेबल कहू आउ गोटे जोटा को आमे नॉन हेरिटेबल कहू हेरिटेबल कैंसर जोटा आमे कहूँ सेटा साधारणत तो पिला माने निज मानको बापा माँ को पाखरु पाई थांती आउ एटा जीन माध्यम रे ट्रांसमिट हुए आमरो टोटल रेटिनोब्लास्टोमा जेते केस आमे देखु ता देहरु 40% पाखापाखी केस हेरिटेबल प्रकार रो केस हुवंती आउ से माने एई छुआ माने तांको बापा माँ को पाखरु एई डिजीज टाकु इनहेरिट करंती आउ जो 60% पिला रहिले सेमानकर ए कैंसरटा देखा दिए आखिरे किंतु तार सठिक कारण कौन सेटा आमे जानिनु कहना सेटा तांकर बापा माँ पाखु इनहेरिट होकर आसी न थाए संपूर्ण भाव तेणुक दीटा कैटेगरी जो अच्छा ए जो दी प्रकार कैंसर आमे देखु आखिरे ए दी प्रकार कैंसर आम पाक जितेबाला आसे आम जो 3 वर्ष 4 वर्ष कहूँ जोटा हेरिटेबल कैंसर जोटा बापा माँ पाखु आसी थाए से रोगटा बेसी शीघ्र देखा दिए से रोगटा साधारणत तो बर्षे रु कम बयस पा देखा दिए आउ जोटा बापा माँ पाखु आसी न थाए डायरेक्टली जोटा आम नॉन हेरिटेबल डिजीज कहूँ से साधारणत तो टी लेट्रे आम पाक प्रेजेंट करे साधारणत तो 2 वर्ष पाखापाखी बयस प्रेजेंट करे तेणुक पिला माने जो माने हेरिटेबल डिजीज रे आक्रांत होती से माने बहुत शीघ्र से डिजीज टा को मैनिफेस्ट करती आउ तांको आखिरे जहाँ भी साइन सिम्टम कैंसर रो थाए सेटा साधारणत तो बर्षे बयस हवा पूर्वर आम चिन्ह पारू आउ जो माने नॉन हेरिटेबल डिजीज रे आक्रांत हुंती तांकर डिजीज टिके लेट आम पाक प्रेजेंट करे आउ सेटा पाखापाखी 2 वर्ष बयस तार साइन आउ सिम्टम गुड़ा आम चिन्ह पारू छोट छुआ आमको कही पारे नहीं कि से माने आखिरे कौन देखुचंती केमिति देखुचंती सफा देखुचंती झापसा देखुचंती एसब जिनस से माने निजे तांक आड़ू किछि कहि पारे नहीं या छड़ा आमको छोटो पिला माने आखिरे देखुचंती कि नहीं बापा माँ हिसाब रे आमको जानिबाटा भी एते सहज नुह जेतेबेले पिला बहुत छोटो थाए जेहेतु छोटो छुआ माने निज विषय रे किछि कहि पारंती नी कि निजर सिम्टम कि निज आखिरे तांकर दृष्टि रे कौन सुविधा असुविधा होउछि से जिनस कहिबाकु तांकर बयस रे संभव नुह तेणुकरी आमे जदि जानिथिबु आमे जदि सचेतन थिबु कि आखिरे कैंसर हेले कौन सिम्टम हुए
कि आखिरे कौन देखिले आमे हुए तो डाउट करिबू जे आखिरे कैंसर होवार संभावना अच्छी ए जिनसटा जदि बापा मां को जणा थिबो ताहले आमे से जिनस प्रति सचेतन हे कि रहिबू आ से जिनसटा जदि आमे केतेबेले देखिबू ताहले से जिनसटा आमे मन को आसिबो कि आमे कोनोसी चक्षु रोग विशेषज्ञ को देखेबू बा जानिया को चेष्टा करिबू कि आखिरे किछि असुविधा अच्छी कि नाही। एटा होची आमर सबुठ बड़ प्रॉब्लम कहना आमे देखिचु कि एई सचेतनताटा लोकंकर नाही सेथिपई जत्ते बेले छुआंकर आखि भितरे कैंसर हुए से जिनसटा नेग्लेक्ट हो जाए आउ आम पाखु पहुँचला बेलू बहुत आडवांस हो जाए थाए आखि भितरे बहुत डैमेज हो जाए थाए आउ आमको आखिटा को बचेवा कि दृष्टि बचेवा को साधारणत बहुत लेट हो जाए थाए। तो आमर आपण मैंने समस्ते जाथे आउ देखिथे जे अंधार जगार जदि आम हठात कौन सी बिलई बा कौन सी अन्य जंतु खास करी बिलई को आखिरे हठात किना गोटे लाइट रो फ्लैश पड़े तो आम नोटिस करू कि से जंतुर आखिटा गोटे काच भलिया जुलजुलिया धला रंग देखा जाए। ए जिनसटा को इंग्लीश रे आमे कैट्स आई रिफ्लेक्स बोली कहू आउ ए जो रिफ्लेक्सटा आम देखू आखिरे लाइट पड़िले जो धला रंगर दागटा देखा जाए कि धला रंगर गोटे चकचकिया अपीयरेंस देखा जाए आखिर से जिनसटा आखिर कैंसर रो सबुठ कॉमन साइन। आमे साधारणत पिलांकर मोबाइल रे बा कैमरा रे फ्लैश देकी फोटो उठाऊ कैमरा रो फ्लैश रो लाइट पड़िकी आखिरु जेतेबेले रिफ्लेक्शन हुए आमे कला डोला भितरे गोटे लाल रंगर डॉट देखु जोटा को आमे रेड रिफ्लेक्स बोली कहू। जेतेबेले आखि भितरे कैंसर थाए सेतेबेले आमे सेई लाल डॉटटा चेंज हेकी धला रंगर कलर हो जाए आउ सेटा को आमे व्हाइट रिफ्लेक्स बोली कहू। एई व्हाइट रिफ्लेक्सटा जेमति मु टिके आगरु आपण मानकु कहूतिली साधारणत बिलेई मानको आखिरे बा अन्य जंतुंको आखिरे हठात किना लाइट रो फ्लैश पड़िले भी देखा जाए आउ सेइतपई आमर एई रिफ्लेक्सटा को कैट्स आई रिफ्लेक्स नारे डिस्क्राइब करू। तेणुकरी आमे साधारणत कहू कि सबुठ कॉमन साइन जदि गोटे छोटो छुआर कला डोला भितरे गोटे धला रंगर चमकुथवा रिफ्लेक्स आपण देखिले लाइट पड़िले खास करी एटा बेसी क्लियरली देखा जाए फ्लैश देकी फोटोग्राफ उठेले एटा खास करी बेसी क्लियरली देखा जाए। जदि एमती किसी जिनस आखि भितरे गोटे छोटो छुआर देखा गला सेटा आई कैंसर हबार संभावना अछि। मु एटा कहिया को चाहूनी कि एमती रिफ्लेक्स आपण जदि देखुचंती ताले सेटा आई कैंसर ही हेई थिबो सेटा अन्यान्य किसी जिनस हबार भी संभावना अछि। सेटा छोट पिलांकर मोतियाबिंदु हबार भी संभावना अछि। सेटा छोट पिलांकर अन्य किसी आखिर पर्दार केते गुडे प्रॉब्लम अछि जोटार कि हबार संभावना अछि किंतु सेटा आई कैंसर हबार भी संभावना अछि। एई जिनसटा लोक जानी नहांती आउ एई जिनसटा जानिबा बहुत जरूरी कहीं जदि आपण ये जिनसटा आखि भितर देखिले आपण एटा जानी कि एटा आई कैंसर हबार संभावना अच्छी ताहले आपण इमिडिएटली छुआ को नहींक चक्षु रोग विशेषज्ञ पाखे चेकअप कराइबे आउ से चेकअप रे जना पड़िबो कि सेटा आई कैंसर कि सेटा आउ किछि। जदि सेटा आई कैंसर हेतिबो ताहले आपण जल्दी तापई चक्षु रोग विशेषज्ञ संगे परामर्श करछंती कंसल्टेशन करछंती आउ सेटा डिटेक्ट हेछि सेटा जदि अर्ली स्टेज रे थिबो ताहले ताकु आमे जदि ट्रीट करिबु अर्ली स्टेज रु तार 100% क्योर हबार चांस अछि। आउ जदि आपण एटा को ओवरलुक कर दउछंती एटा को नेग्लेक्ट करछंती ताकु किछि महत्व दउ नहंती ताकु गुरुत्व दउ नहंती ताकु ठीक हे जबो भाबी कि छाडी दउछंती सेटा आस्ते आस्ते बढ़ी कि आखि भितरे माडिबो आउ गोटे एमती समय आसिबो जेतेबेले कैंसरटा बढ़ी कि आखि बाहर को माडिवार रिस्क हबो बा बाहर को माड़ी भी जीव देह रे अन्य जगह को माड़ीवार संभावना रहिबो अन्य जगह को माड़ीवार रिस्क रहिबो आउ सेतेबेले जेतेबेले सेही स्टेज आसिबो सेटा आखिरु बाहरी के जेतेबेले देह रे अन्य जगह को माड़ीबो
ସେତେବେଳେ ଲାଇଫ୍କୁ ରିସ୍କ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିବ ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆଖିର କଳା ଡୋଳା ଭିତରେ କୌଣସି ଧଳା ଦାଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆଖି ଭିତରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଖିର ଉପର ସର୍ଫେସ୍ରେ ନାହିଁ, ଆଖିର ଭିତରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆଇ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କେତେ ଦୂର କନଫର୍ମ କରିପାରିବୁ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷିକିଆ ଛୁଆ କି ଗୋଟେ ଦୁଇବର୍ଷୀୟ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲୁ, ତା'ର କଳା ଡୋଳା ଭିତରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଧଳା ଦାଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ କି ସେଇଟା ଆଇ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିବ। ଆମେ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଛୁଆକୁ ନେଇଗଲୁ, ତାପରେ ଆମର ସ୍କ୍ରିନିଂଟା କ'ଣ ହେବ? ସବୁଠୁ କମନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କରୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଖିର ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜିକାଲି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେଭଳିଆ ଜାଗାରେ ବି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟଟେ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଖିର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡଟେ କରିଲେ ଆମେ 90% ସିଓରିଟି ସହିତ କହିପାରିବା କି ଏଇ ଯେଉଁ ଧଳା ଦାଗଟା ଆପଣ ଆଖି ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କ୍ୟାନ୍ସର ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ କି ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଆଖି ଭିତରର କ୍ୟାନ୍ସରର କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପିକାଲ୍ ଫିଚର୍ ଅଛି, କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପିକାଲ୍ ସାଇନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ କି ଯିଏ ଡକ୍ଟର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରୁଥିବେ, ଯିଏ ଆମର ରେଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ସାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ପାଉ ସେ ସାଇନ୍ ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ଆଖି ଭିତରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟା କେତେ। ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲା ପରେ କି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଆଖି ଭିତରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ସେଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଫରେଲ୍ଟେ ଆଇଦର ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଫରେଲ୍ କରିକି ପଠାଇଦେବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ବାପା ମାଆ ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ରେଫରେଲ୍ ସେଣ୍ଟର ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଠି ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ ସେଠିକି ନେଇକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଚାଲିଯିବାଟା ଉଚିତ। ଏବେ ଥରେ ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନିଶା ଦେଇକି ଆଖି ଭିତରର ଡିଟେଲ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଆଖି ଭିତରର ଫଟୋ ଉଠାଇବା, ଏସବୁ ସୁବିଧା ଏଠି ଅଛି। ଏସବୁ ସୁବିଧା ଏଠି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଖିଟାକୁ ଡିଟେଲ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆମେ କନଫର୍ମ କରିପାରିବା କି ଆଖି ଭିତରେ ଆଖି କ୍ୟାନ୍ସରର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ବା ଅଛି ତାହେଲେ ଆଖିଟା କେତେ ଦୂର ଏଫେକ୍ଟ ହୋଇଛି, କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେବ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ସେଇଟା ଆଖି ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୀମିତ ହୋଇକି ଅଛି କି ଆଖି ବାହାରକୁ ମାଡ଼ିଛି। ଯଦି ଆଖି ବାହାରକୁ ମାଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ଆଖିରେ ଆଖି ଛଡ଼ା ଦେହରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏଠି ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିକି ଜାଣିପାରିବା। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଆଖି ଭିତରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାନ୍ସରଟା ସୀମିତ ହୋଇକି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ବେଶୀ ସହଜରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିପାରିବା, କାହିଁକି ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପେସେଣ୍ଟକୁ କିମୋଥେରାପି ଦେଇକି କିମ୍ବା ଆଖି ଭିତରେ ଲେଜର ଦେଇକି ଜିନିଷଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିକି 100% କ୍ୟୁର୍ ପାଇବାର ପସିବିଲିଟି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଖି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁମର୍ଟା ବହୁତ ମାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଆଖିର ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଖି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ବହୁତ ବେଶୀ ଭାବରେ ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଯାଇଥାଏ କ୍ୟାନ୍ସରଟା, ତାକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ କରିଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ତ ପାରିବା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବେଳେ ଆମେ ଆଖିରେ ଦୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଫେରି ପାଇବା କିମ୍ବା ଆଖିରେ ଦୃଷ୍ଟିଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇ ନ ପାରୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବାହାରକୁ ଟ୍ୟୁମର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଯାଏ ବା କ୍ୟାନ୍ସର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଯାଏ ତାକୁ ବି କିମୋଥେରାପି କିମ୍ବା ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ସହିତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହୁଏ, କିନ୍ତୁ
से भाया सिचुएसन लाइफ को रिस्क बढ़ी जाए आ ट्रिटमेंट रो आउटकम भल हवा कि सफल हबार चांस बहुत कमी जाए। अर्ली स्टेज गुड़े आमर खाली कीमोथेरापी आखि भितर लेजर थेरापी साधारणतः आम 100% क्योर आचिव करू, किंतु लेट स्टेज गुड़े जो थे आखि भितरे भी ट्यूमर बहुत बेसी स्प्रेड करी जाए थाए किंबा आखि बाहर को स्प्रेड करी जाए थाए से भलिया केस गुड़े कीमोथेरापी सांगरे रेडियोथेरापी रो सक्सेस अच्छी किंतु अर्ली स्टेज भलिया सक्सेस पाउनी आम। जेमती सबू कैंसर पर रेगुलर फॉलोअप रेगुलर चेकअप रहिबा दरकार सेमती आखि कैंसर रे भी रेगुलर फॉलोअप और रेगुलर चेकअप रे रहिबा दरकार। आउ जेहेतु एटा छोटो पिलांकर हुए आमको एटा आहुरी बेसी इम्पोर्टेंट जे तांकर फॉलोअप केयर टाकु रेगुलरली आपण जो हिसाब रे आपणकर ट्रीटमेंट हेला परे आपणको चक्षु रोग स्पेशलिस्ट किंबा कर्कट रोग स्पेशलिस्ट से माने जो हिसाब रे आपण को कहिबे जो फ्रीक्वेंसी रे चेकअप पाई कहिबे से फ्रीक्वेंसी रे चेकअप करेबाटा निहाती दरकार। जेहेतु यार प्रिवेंशन रो किछि स्पेसिफिक मेथड नाही आमर सबुठू इम्पोर्टेंट जिनस होचे अवेयरनेस। जदि लोक सचेतन अछंती जदि लोक जानिछंती कि आई रे कैंसर हुए आउ जदि कैंसर हुए ताले कैंसर को डाउट करिया पाई किंबा कैंसर को चिन्हेवा पाई कौन साइन देखिले आम मनरे एक कथाटा आसीबो एई जिनसटा जदि बेसी रु बेसी लोकंक पाक्कु आमे कम्युनिकेट करि परिबा आउ एई जिनसटा बेसी रु बेसी लोक जानिबे ताहले सेइटा ही प्रिवेंशन हिसाब रे काम करिबो। काहेकि ना आमे डिजीजटा को रोकि तो पारिबोनि किंतु आमे डिजीजटा को जत्ते अर्ली स्टेज रे चिन्हि परिबु आमे ट्रीटमेंटटा को सेते जल्दी स्टार्ट करि परिबु आउ आमे जानिचु कि आमे ट्रीटमेंट जत्ते जल्दी स्टार्ट करि परिबु आमर सक्सेसफुल आउटकमटा सेते बेसी हबार पॉसिबिलिटी अछि। विभिन्न रोगर कारण और निराकरण संपर्क में डाक्तरों ठार जानापी स्वास्थ्य प्लस ओडियार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करूँ।